3 क्लास 10th में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड से सॉल्व करना सीखा है, और हर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो दो रूट्स होते हैं, दो मूल, एक अल्फा कहलाता है और एक बीटा। अब हम एग्जांपल नंबर 14 में आते हैं और हमें बोला है फाइंड द रूट्स, मूल ज्ञात करो। अब भाई रूट्स जो होते हैं ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं, द्विघात समीकरण के, लेकिन ये तो द्विघात समीकरण है ही, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही। तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई वो बोल रहा है फाइंड द रूट्स, मूल ज्ञात करो, और रूट्स मूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के होते हैं, और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण इस फॉर्म में होता है, लेकिन ये तो इस फॉर्म में है ही। पहले हमें इसको इस फॉर्म में लाना है, उसके बाद ही हम इसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसके रूट्स कैसे आएंगे, तो अब मैं इसके रूट्स बताता हूं कैसे आएंगे। पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो पूरा समीकरण है आपका होल इक्वेशन, इसमें जो अपॉन में आया है बटे में x, उसका मल्टीप्लाई करो। तो ये x का x से होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 3x। लेकिन अभी भी ये इस फॉर्म में नहीं आया, तो इस फॉर्म में लाने के लिए प्लस 3x जो है माइनस 3x हो जाएगा, और फिर प्लस 1 इक्वल टू 0, पहले पावर 2 आई फिर पावर 1 आई और फिर नंबर आया, ये आपका इस फॉर्म में आ गया। अब इसके रूट्स हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला मेथड से, तो इसकी तुलना करेंगे कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, तो आपका a जो है 1 है, b जो है -3 है और c जो है 1 है, ठीक है। और आप फॉर्मूला लगा दें, तो माइनस की प्लेस में माइनस आएगा, b की प्लेस पर -3 आएगा, b स्क्वायर की प्लेस पे -3 स्क्वायर, 4 इनटू a की प्लेस पर आपका 1 आएगा और c की प्लेस पर भी 1 आएगा, नीचे 2 इनटू a की प्लेस पर आपका 1 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3, 3 स्क्वायर 3 की घात 2 करेंगे 9 आएगा, -4 बनता 4 अपॉन में आएगा आपका, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो अंडर रूट 5 वर्गमूल 5 बटे में आएगा। अब यहाँ पॉजिटिव नंबर आया है, धनात्मक संख्या आई है, यानी इसके दो मूल होंगे, इसके दो रूट्स होंगे, लेकिन इसका कोई वर्गमूल, इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, इसीलिए इसी के साथ आपके दो मूल, इसी के साथ आपके दो रूट्स आ जाएंगे। पहले इसे एक बार प्लस में ले लिया जाएगा और फिर इसे माइनस में ले लिया जाएगा, ये आपके दो रूट्स अल्फा और बीटा माने जाएंगे। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए आप अगर अपनी बुक में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखें तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक, ये 1 मिनट, शायद अपॉन में x है, चेक कर लेता हूं, यस अपॉन में x, इसके भी हमें रूट्स निकालने हैं, इसके भी हमें मूल निकालने हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो ही तो रूट्स निकलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण इस फॉर्म में होता है, तो पहले हमें इस फॉर्म में इसे लाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको अभी बताया कि जो अपॉन में है x, उसका मल्टीप्लाई सबसे कर दे, तो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे, x स्क्वायर माइनस x से x कैंसिल होगा 1 आएगा, और यहाँ 3 का x से होगा तो 3x आएगा, और अभी भी इसके सही फॉर्म नहीं आ पाया, प्लस 3x माइनस 3x हो जाएगा, देन माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ कुछ नहीं आने वाला। तो ये आपका सही रूप, ये आपका ओरिजिनल फॉर्म आ गया। इसको कंपेयर करें, तुलना करें, तो a की प्लेस पर आपको 1 मिलेगा, b की प्लेस पर आपको -3 मिलेगा और c की प्लेस पर -1 मिलेगा, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगा दें, ठीक है,
माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, बी की प्लेस पर माइनस थ्री आएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर की प्लेस पे माइनस बी स्क्वायर, फोर इंटू ए की प्लेस पर वन आएगा और सी की प्लेस पर माइनस वन आएगा, ठीक है, टू इंटू ए की प्लेस पर वन आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, ये आपका नाइन हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस फोर वन जो फोर, नीचे टू आएगा, नाइन और फोर थर्टीन होता है, वर्गमूल अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू, यहाँ पॉजिटिव नंबर आया है, धनात्मक संख्या आई है, उसका मूल उसके रूट निकलेंगे, लेकिन इसका कोई वर्गमूल नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं होता, फिर भी हम दो मूल दो रूट उसी के अकॉर्डिंग उसी के माध्यम से निकाल देंगे, तो एक बार इसे प्लस लेंगे और एक बार इसे माइनस, तो इस टाइप से आपके दो मूल दो रूट आ जाएंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 का सेकेंड क्वेश्चन, इसके भी हमें मूल निकालने हैं, इसके भी हमें रूट निकालने हैं, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यानी इस फॉर्म में ले आना है, अब उसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, अब एलसीएम इसका ये आएगा एक्स एक्स माइनस टू, क्योंकि एलसीएम कभी भी नीचे के पदों का नीचे के टर्म्स का लिया जाता है, और यही इसका एलसीएम आएगा, अब इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस टू, उसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x माइनस टू आएगा, ठीक है, और जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, और x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस वन आएगा, सॉरी माइनस x आएगा, फिर आपका प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, बैक ऊपर साइड में माइनस टू आएगा, नीचे x का मल्टीप्लाई x से करें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू थ्री, और अपॉन में कुछ नहीं, यानी क्या है वन, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, थ्री का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री का मल्टीप्लाई टू एक्स से होगा तो माइनस सिक्स एक्स, और माइनस टू का मल्टीप्लाई वन से होगा तो माइनस टू आ जाएगा, और सही फॉर्म में लाने के लिए माइनस टू यहाँ आके प्लस टू हो जाएगा, ये आपका सही फॉर्म आ गया, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको a की प्लेस पे 3 मिलेगा, b की प्लेस पर माइनस सिक्स मिलेगा, और c की प्लेस पर आपको 2 मिलेगा। तो ये मैंने कैसे किया, मैंने एलसीएम लिया, देखिए नीचे अगर एक पद हो, एक टर्म्स हो, तो हम उसका मल्टीप्लाई पूरे समीकरण पूरी इक्वेशन से करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ नीचे टू टर्म्स थे, दो अलग अलग पद थे, तो पहले एलसीएम लेने की सोची, एलसीएम में ये दोनों आ गए, और फिर इसमें इसमें इसका डिवाइड किया तो x से x कैंसिल हो गया, x माइनस टू का मल्टीप्लाई वन से किया तो x माइनस टू आया, और इसमें जब इसका डिवाइड किया तो x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो गया, बचा x का मल्टीप्लाई वन से किया तो x आएगा, फिर x से x कैंसिल हो गया, माइनस टू ऊपर की तरफ आया, और नीचे की तरफ x का x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस टू x, वन मोर टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थ्री का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से किया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू सिक्स एक्स, और माइनस टू वन माइनस टू, देन माइनस टू यहाँ आके प्लस टू हो गया, और बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें फॉर्मूला लगाया जाए, माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, बी की प्लेस पे माइनस सिक्स आएगा, बी स्क्वायर की प्लेस पर माइनस सिक्स स्क्वायर आएगा, माइनस फोर इंटू ए की प्लेस पे थ्री आएगा, और सी की प्लेस पर आपका टू आ जाएगा, ठीक है, और नीचे टू इंटू ए की प्लेस पर आपका थ्री आ जाएगा, ओके, माइनस माइनस प्लस सिक्स, यहाँ ध्यान से देखोगे 6 की पावर 2 करेंगे 36 आएगा, 4 थी 12 टू द 24, ठीक है, 4 दिया 12 नहीं 24 हो जाएगा, ओके, नीचे आएगा 6, 36 में से 24 माइनस करो, 6 में से 4 गया 2 आएगा, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, अपॉन में आएगा आपका 6। अब ये 12 6 जो है अंडर रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, और इसका कोई वर्गमूल, इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करेंगे निकालने की। ये देखिए
टू सिक्स टू थ्री एंड थ्री वन। तो हम इस 12 को 12 को लिख सकते हैं दो की जोड़ी दो के पेयर बन गए तो बाहर आ जाएगा और अंदर अंडर रूट में 3 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका 6। इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि वर्गमूल निकालने में अंडर रूट निकालने में हम दो दो के पेयर दो दो की जोड़ियां जमाते हैं और उसमें से एक पेयर बाहर आएगा तो आप लोगों का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर की तरफ बचेगा 6। ये आपका आंसर है। अब आपको इसके दो रूट चाहिए, तो फर्स्ट टाइम 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 6 एंड सेकेंड टाइम 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6। ये भी आपके दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बुक के आंसर चाहिए तो बताता हूँ कैसे करोगे। आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो है 3 प्लस रूट 3 बाई 3 एंड 3 माइनस रूट 3 बाई 3। तो कैसे आया बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से 2 का टेबल कॉमन निकाल दें, 2 के टेबल में 6 3 प्राइम आता है, 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ 2 नहीं आएगा, अंडर रूट 3 आएगा, नीचे 6 आएगा, 2 3 जा 6। देखिए पहला आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ से 2 का टेबल कॉमन निकाल दीजिए तो 2 के टेबल में 6 3 प्राइम आता है, माइनस 2 कॉमन निकल गया तो 2 नहीं आएगा, अंडर रूट 3 अपॉन में आएगा 6, 2 3 जा 6। ये देखिए आपका सेकेंड रूट दूसरा मूल आ गया। ओके, इस टाइप से आपको अपने क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, वो भी कर देते हैं। अब हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके भी हमें मूल निकालना है, इसके भी हमें रूट निकालना है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। जरा सोचिए आप कैसे लिख सकते हो। वेट, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाए? एलसीएम लेना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में ये दोनों टर्म्स आपके एज इट इज आ जाएंगे। जब इसमें इसका डिवाइड किया जाएगा तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 7 बचेगा, उसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा। और जब इसमें इसका डिवाइड किया जाएगा तो x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 बचेगा, उसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x प्लस 4 आएगा और इसमें माइनस आएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ बीच में माइनस है तो आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है। ओके, तो क्या होगा जब ये ऊपर के ब्रैकेट खुलेंगे तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस फोर माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे साइड में यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, माइनस x का 7 से करेंगे तो 7x आएगा, प्लस 4 का x से करेंगे तो प्लस 4x आएगा, माइनस 4 7 का 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30 इस टाइप से। अब ये प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 और 4 11 होता है, माइनस 11 आएगा। और बैक साइड में नीचे साइड में देखिए आप प्लस माइनस माइनस 7x में से 4x गया तो 3x आएगा, माइनस में माइनस 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब एक बार फिर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुणा करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे और माइनस 11 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, सोचिए क्या हो सकता है। कुछ ज्यादा लंबा ना खींचते हुए अगर इस 11 का मल्टीप्लाई अंदर की तरफ कर दूं तो और लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा तो मैं क्या करूंगा, ये 11 मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देता हूं तो ये कट जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ओनली माइनस 30 बचेगा, ठीक है। और फिर ये माइनस 30 यहाँ आके प्लस 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस माइनस
30 में से 28 गया तो 2 बचेगा और प्लस 2 बचेगा, प्लस का डिजिट प्लस का निशान प्लस का साइन बड़ा है इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आप लोगों का ए जो है वो 1 है, बी जो है वो -3 है और सी जो है वो 2 है। फार्मूला लगा दे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, b की प्लेस पर -3 आ जाएगा, b स्क्वायर की प्लेस पर -3 स्क्वायर आएगा, -4 इंटू ए की प्लेस पर 1 आएगा, c की प्लेस पे 2 आएगा और 2 इंटू ए की प्लेस पर 1 आ जाएगा। फिर मैंने पहले बोला था कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, अंदर साइड में 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 4 बन तो 4 टू 8 अपॉन में आपका 2 आएगा, यहाँ अंडर रूट में 1 आ जाएगा अपॉन में 2 आ जाएगा, और अब 1 का वर्गमूल 1 का स्क्वायर रूट जो होता है 1 होता है, अपॉन में 2 आएगा। तो आपके दो रूट कैसे आएंगे, तो एक बार प्लस 1 अपॉन 2 और एक बार माइनस 1 अपॉन 2, तो 3 और 1 4 अपॉन 2 मतलब ये 2 आ जाएगा और 3 में से बन गया 2 अपॉन 2 मीन्स ये 1 आ जाएगा, इसके दो रूट्स आएंगे 2 और 1, ठीक है।